एसबीडीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में थर्मोडायनेमिक्स में आज का आपका टॉपिक रहेगा फेज डायग्राम ऑफ लिक्विड हीलियम। फेज डायग्राम ऑफ लिक्विड हीलियम। द्रव हीलियम का प्रावस्था या कला आरेख, इसको कला आरेख भी कहते हैं। जैसा कि इसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको रफली ये बताया था कैसे अपन देखते हैं कुछ टेम्परेचर और प्रेशर पर इसकी वैल्यू अलग अलग आती है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एकदम से स्ट्रेंथ हो जाती है या सडन चेंज उनमें आता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे द्रव हीलियम के ताप व दाब के मध्य खींचा गया वक्र द्रव हीलियम का प्रावस्था आरेख कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले इसका फेज डायग्राम। इधर तो क्या है दाब, वायुमंडलीय दाब में। इधर क्या है टेम्परेचर, देखिएगा इसको। इसे लिखेंगे वक्र एबीसी, ए पॉइंट में यहां लिखती हूँ, ठीक है। इसे लिखेंगे अपन डीई एफ, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर आपका 1.74 केल्विन, 2.19 केल्विन एंड 5.25 केल्विन, ठीक है। दाब लिखेंगे 0.05, यहाँ है 2.26, यहाँ 25 एंड 29.09, ठीक है। इस बिंदु बी से ई को जिस रेखा से मिलाएंगे, ये क्या एक लैम्ब्डा की तरह शो करती है, तो इसको कहेंगे अपन लैम्ब्डा लाइन। इसको कहेंगे अपन बिंदु ई को लैम्ब्डा पॉइंट। यहां पर रहती है ये ठोस अवस्था में, ये वक्र है आपका हिमांक वक्र, मेल्टिंग कर्व, ये है आपका, ये जो वक्र है ये है संतृप्त वाष्प दाब वक्र, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व,
है, यहाँ पर लिक्विड हीलियम रहेगी वाष्प की फॉर्म में, वेपर। ये वाला पार्ट जो है ये है इसका लिक्विड हीलियम सेकंड, यहां पर है ये लिक्विड हीलियम फर्स्ट। ठीक है, ठोस हो गया हिमांक वक्र, संतप्त वाष्प दाब वक्र, और ये है इसका वाष्प के फॉर्म में। अब देखो अपन अलग अलग वक्र का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे ए बी सी, यानी ठोस हुए द्रव को। तो सबसे पहले आप लिखोगे द्रव हीलियम में, सॉरी हीलियम में किसको करेंगे, ठोस हुआ द्रव को, ठोस हुआ द्रव को पृथक करने वाला वक्र, इन दोनों को सेपरेट करने वाला जो वक्र है कौन सा है, गलनांक वक्र है। ठोस से हिमांक वक्र उसका मेल्टिंग वक्र आएगा, तो ठोस से जो द्रव को पृथक करने वाला जो वक्र होता है वो आपका क्या कहलाएगा, गलनांक वक्र ए बी सी है। ये क्या करेगा, जो कि गलनांक पर किसका, दाब के प्रभाव को, जो कि गलनांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आप देखोगे इस वक्र में क्या होगा, वक्र को दाईं तरफ बिंदु बी से दाईं तरफ बढ़ाएंगे तो वक्र दाईं ओर क्या ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाईं ओर बढ़ाने पर ये क्या करता है, 25 जो एटॉमिक प्रेशर है वायुमंडलीय दाब पर उस पर क्या होता है, ये चपटा होता जाता है, और ये इस पर यहाँ पर फ्लैट होते होते क्या होगा, अपन देखते हैं कि यहाँ पर तो क्या नहीं है, मूल बिंदु है, तो ये जो अपना सामान्य दाब 25 एटॉमिक प्रेशर है इस पर क्या होगा, जीरो केल्विन पर भी ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, ना कि द्रव में चेंज होता है। तो क्या हुआ कि ये वक्र क्या प्रदर्शित करता है कि द्रव हीलियम को 25 वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर भी परम शून्य ताप पर ठोस में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। तो आप देखोगे वक्र ए बी सी में पहले बिंदु बी पर दाईं ओर, बिंदु बी पर आप लिखेगा वक्र बी के दाईं ओर वक्र ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, बी के ब्रैकेट में लिखोगे टेम्परेचर 1.74 केल्विन, वह दाब है वो क्या है 25 वायुमंडलीय दाब, तथा बाईं ओर अक्ष पर, बाईं ओर अक्ष पर 25 वायुमंडलीय दाब पर चपटा होता जाता है, या अक्ष को 25 वायुमंडलीय दाब पर प्रतिच्छेद करता है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि, इससे यह प्रदर्शित होता है कि द्रव हीलियम को
इससे यह प्रदर्शित होता है कि द्रव हीलियम को 25 वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर परम शून्य ताप पर भी ठोस अवस्था में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। जब हीलियम को 25 एटॉमिक प्रेशर पर परम शून्य ताप पर भी ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह है आपका वक्र एबीसी के बारे में अपन ने देखा। आप इसको लिखिएगा। अब अपन देखेंगे वक्र डीई एफ को, जो क्या करेगा, द्रव व वाष्प इधर, तो द्रव व वाष्प को पृथक करने वाला वक्र। तो ये सब इसके लिख लेना, ये इसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। तो ये सब किसकी है, कर्व ए बी सी की, ठीक है। दूसरा लिखेंगे अब अगले का, अब लिखेंगे वक्र DEF के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आप इसमें द्रव तथा वाष्प को, पृथक करने वाला वक्र क्वथन या संतृप्त वाष्प दाब वक्र कहलाता है। ब्रैकेट में लिखिएगा वक्र डीई एफ, ठीक है। लिखिएगा यह वक्र डीई एफ, क्या करेगा, क्वथनांक पर, वो तो क्या था, गलनांक पर, ये क्या है, क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर लिखिएगा इसे यह वक्र क्रांतिक बिंदु F, जो है इसको कहेंगे अपन क्रांतिक बिंदु। यह वक्र क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट F, F के ब्रैकेट में लिखोगे ताप 5.25 केल्विन व दाब 2.26 एटॉमिक प्रेशर। क्रांतिक बिंदु से शुरू होकर मूल बिंदु, क्या है ये वाला O, मतलब ताप भी क्या होगा, जीरो केल्विन एंड दाब भी जीरो एटॉमिक प्रेशर पर समाप्त होता है। ठीक है, नोट कीजिएगा इसे।
देखिए, क्वथनांक बिंदु के ऊपर और नीचे की कंडीशन क्या क्या होती है, तो आप लिखोगे क्वथनांक बिंदु से, सॉरी क्वथनांक वक्र, इसे लिखिएगा क्वथनांक वक्र, क्योंकि इसे ही क्या कहते हैं, या तो संतृप्त वाष्प दाब वक्र या क्वथनांक वक्र। क्वथनांक वक्र से ऊपर व नीचे क्रमशः हीलियम, ऊपर ये वाली, नीचे ये वाला, तो वाष्प मतलब गैस, से ऊपर हुए नीचे ही क्रमशः हीलियम, द्रव व गैस के रूप में, द्रव व गैस के रूप में रहती है। इस वक्र को संतृप्त वाष्प रेखा, संतृप्त वाष्प रेखा या द्रव प्रावस्था आरेख भी कहते हैं, ठीक है। ये था इसका दूसरा। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं कि देखो वक्र एबीसी है और वक्र डीईएफ है, ये दोनों किसी भी बिंदु पर नहीं मिलते, कोई भी एक बिंदु पर नहीं मिलते। इसका मतलब क्या है, जो हीलियम है उसकी ठोस द्रव गैस प्रावस्थाएं एक ही बिंदु पर कभी भी साम्यावस्था में नहीं होती है, अर्थात हीलियम का कोई त्रिक बिंदु ट्रिपलेट पॉइंट उपस्थित नहीं होता है इसके फेज डायग्राम में। तो आप लिखिएगा द्रव हीलियम में हिमांक वक्र को लिखेंगे एबीसी, वह क्वथनांक या संतृप्त वाष्प दाब वक्र डीईएफ कोई एक बिंदु पर, नहीं मिलते हैं, अर्थात द्रव हीलियम की ठोस द्रव व गैस अवस्थाएं एक बिंदु पर या साम्यावस्था में, नहीं होती है, अर्थात द्रव हीलियम का कोई त्रिक बिंदु मतलब कि ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ लिक्विड हीलियम, अपने को पता है ट्रिपलेट पॉइंट किसको कहते हैं, ठोस द्रव व गैस अवस्थाओं का एक बिंदु पर साथ में होना, त्रिक बिंदु नहीं होता है, ये साम्यावस्था में नहीं होती है, मतलब कि इसका कोई भी ट्रिपलेट पॉइंट नहीं होता है। देखो अपन ने क्या किया फेज डायग्राम में, सबसे पहले अपन ने देखा ये दाब थे, ये दाब लिए इधर, ठीक है, मूल बिंदु ओ जहां पर ताप भी जीरो और दाब भी जीरो, ठीक है। अपन ने देखा वक्र ए बी सी, यहां पर लिक्विड हीलियम क्या है, ये तो ठोस में, इसके इधर द्रव में,
तो देखो बी से ई को सबसे पहले तो ये दोनों किसी भी एक बिंदु पर तो नहीं मिलते हैं, तो हिमांक वक्र का बिंदु बी और क्वथनांक वक्र का बिंदु ई, ये तो क्या करता है, गलनांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ये क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अपन देखते हैं कि ये एक बिंदु पर तो नहीं मिलते, मतलब हीलियम का कोई भी ट्रिप्लेट पॉइंट उपस्थित नहीं होता है, लेकिन देखते अपन बी व ई को मिलाते हैं तो ये एक क्या तिरछी लाइन, टेढ़ी लाइन है, तो ये लगभग लेमड़ा का साइन दिखाती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, लेमड़ा लाइन, लेमड़ा रेखा। और ये जो क्वथनांक वक्र का बिंदु ई है इसे कहते हैं अपन लेमड़ा पॉइंट। इस बिंदु के इधर ये क्या है, वाष्प अवस्था में होती है, और इधर क्या है, द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। लैम्बडा लाइन के बाई ओर तो द्रव हीलियम है और बाई ओर दाई ओर क्या है, द्रव हीलियम फर्स्ट है, तो ये तो सेकेंड और फर्स्ट में, यहाँ पर ये क्या है, वाष्प अवस्था में, इधर ये क्या है, गैस अवस्था में, ये वाष्प है सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि वक्र DEF में आता है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व में। फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई भी ट्रिपलेट पॉइंट नहीं है, तो सामान्य दाब पर अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज में क्या लिखा था कि हीलियम का कोई भी त्रिक बिंदु नहीं होता है, मतलब कि सामान्य दाब पर उसका कोई गलनांक बिंदु पर ये नहीं है कि उसकी सॉलिड लिक्विड और गैस जो अवस्थाएं स्टेट्स जो होंगी वो एक बिंदु पर मिले, ये भी अपन ने देख लिया, ठीक है। घनत्व अपने को पता है इसका 0.124 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि इस बिंदु बी और ई, यहां से अपन आगे जब घनत्व को देखेंगे तो वही क्या है, पी टी, वही उष्मा चालकता में घनत्व का है, ऐसा ग्राफ अपने को मिलता है। इसका मतलब क्या, लगभग ये टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, 2.19 केल्विन, ठीक है, ये 2.19 ही है, तो अपन क्या देखेंगे, जो घनत्व होगा, दाब और ताप वक्र है, यही दाब और ताप वक्र, ठीक है, पीपी वक्र है, वाष्प दाब वाला, ठीक है। तो देखते हैं कि इस लगभग 5.25, ये तो इधर से जब टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ये क्या बढ़ता जाता है, लेकिन ये 2.19 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, अधिकतम, और इसके पश्चात धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है घनत्व। ऐसे अपन उष्मा चालकता का एनालिसिस करेंगे। तो ये था आपका बेसिक फेज डायग्राम, आगे इसकी प्रॉपर्टीज होगी, इसकी कुछ पॉइंट्स है, इनको अपन डिफाइन करेंगे, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, वो सब नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको एक बार बुक से भी देख लीजिएगा, रीड करिएगा, तो आपके टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।